महाराष्ट्र कांग्रेस को आज एक तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल और पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही इनके बीजेपी में शामिल होने के आसार हैं। आज मैंने नैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का एमएलए होने के नाते आज इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के अंदरून मसले में काफी एक अन्याय की भावना रही। इतने साल काम करने के बाद अगर अन्याय होता रहा तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, आप कौन सी पार्टी में जाना है उसका विचार मैंने विखे पाटिल साहब और मुख्यमंत्री जी राव साहब दानवे पाटिल से करके और निर्णय ले लेंगे। नेताओं से नाराजगी थी इसलिए पार्टी छोड़ दिया। आप नई पार्टी में जाने के बाद में उस पार्टी में काम करेंगे और यही समाज सेवा करने के लिए कोई ना कोई पार्टी होना, इसलिए कोई ना कोई पार्टी में जरूर जाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने का हमारा निर्णय। कुछ विधायक हमारे जो 8-10 विधायक है वो सब चर्चा कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।